हरियाणा के पहलवानों का विदेशी धरती पर डंका बज रहा है। हरियाणा के पहलवान कुश्ती में मेडल जीतकर विदेशी धरती पर तिरंगा लहरा रहे हैं। कनाडा में आयोजित हुई वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 प्रतियोगिता में सोनीपत के गांव रायपुर में रहने वाले सत्यवान के पहलवान ने अपने चिर प्रतिद्वंदी को हराते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, तो गांव के रहने वाले जूनियर खिलाड़ी प्रांजल ने सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर गांव में हरियाणा का नाम रोशन किया है। दोनों पहलवानों का गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। कनाडा देश में होया था वहाँ वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन होया था, उसमें मैंने 4 बाउट जीते और गोल्ड मेडल प्राप्त करे। कौन से गेम थे ये? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। कहाँ पे हो रहे थे ये? कनाडा। किस तरह की तैयारी रही जब वहाँ पे लड़ रहे थे, कैसे क्या महसूस हुआ? बहुत अच्छी तैयारी थी, हमारे कोच साहब थे नरेंद्र सहरावत जी, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करवा रखी थी, मैं आराम से गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अब मेडल जीत कर पहुँचे और ग्रामीण आपका स्वागत कर रहे हैं? बहुत खुशी है, ग्रामीण स्वागत कर रहे हैं पूरा मान सम्मान। इस तरह से कई नए खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है? हाँ बिल्कुल, इससे खिलाड़ियों का मनोबल बहुत बढ़ता है। आगे क्या तैयारियाँ रहेंगी? आगे सीनियर नेशनल और ऑल इंडिया पुलिस गेम्स की तैयारी है। किस पद पर तैनात हो हरियाणा पुलिस में? CRPF में तैनात हूँ, CTGT कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात हूँ। CRPF कहाँ पे गए थे खेलने? कौन से गेम में? Under-15। कौन से गेम में? जो एशिया। कहाँ पे खेलने गए थे? जॉर्डन। कौन सा मेडल है आपका? ब्रॉन्ज मेडल। कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए आपने? बहुत मेहनत करनी पड़ी। कितने घंटे खेलते थे प्रतिदिन? 2-2.5 घंटे। आगे किस तरह की तैयारी है? आगे भी एशिया कैडेट की तैयारी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय कोच कुलदीप सिंह का कहना है कि दोनों पहलवानों ने देश का नाम विदेशी धरती पर चमकाया है और दोनों खिलाड़ी देश का नाम ओलंपिक स्तर पर भी ऊंचा करेंगे और दोनों खिलाड़ी हर रोज देश के लिए मेडल लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत खुशी का दिन है, आज गांव ने दोनों पहलवानों का स्वागत किया है। इसमें सत्यवान पहलवान ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और दूसरा प्रांचल है, ये पहलवान दोनों पहलवान रायपुर के हैं और प्रांचल ने Under-15 एशियन चैम्पियनशिप में मेडल जीता है। आपके दोनों खिलाड़ी हैं, कितनी खुशी है जिस तरह मेडल जीत कर पहुँचे? आज जैसे मेरे साथ सत्यवान ने तो मेरे साथ प्रैक्टिस की है, लेकिन ये जो लड़का है ये इनका दूसरा अखाड़ा है रायपुर में ही, उसके वहाँ ट्रेनिंग करता है और होनहार बच्चा है, अभी Under-15 और Under-17 लेवल में ही खेल रहा है और आने वाले दिनों में और अच्छा पहलवान बनेगा। प्रतिदिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है खिलाड़ी को? एक पहलवान को कम से कम दिन में 5 से 6 घंटे टोटल मेहनत करनी पड़ती है। आगे किस तरह की तैयारी रहेगी इनकी? अभी जैसे इसका फ्यूचर है, अभी कैडेट का है, आगे सीनियर लेवल में देश को कोई वर्ल्ड लेवल पे या गेम्स में मेडल दिला सके। हरियाणा पहलवानों की धरती कहा जाने लगा है क्योंकि हरियाणा के पहलवान लगातार अलग अलग प्रतियोगिताओं में देश के लिए मेडल जीत कर ला रहे हैं और विदेशी धरती पर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।